व्हाट्सअप एवरीबॉडी, क्या हाल है आप सबका। आज मैं जाने वाला हूँ मानस नेशनल पार्क की तरफ। हम यहाँ से अब शुरू करते हैं हाउडी की। एक छोटा सा पार्क कुछ दिन पहले ही उद्बोधनी हुई थी, तो यहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट करते हैं। चलो वीडियो को देखो आगे। तो यहाँ से हम अपना बाइक को स्टार्ट करते हैं और यहाँ हम यहाँ पर अभी हावली के फ्लाईओवर पर आ गए हैं। बरपट्टा रोड की तरफ जाते हैं। यहाँ पर देखिए राइट साइड की तरफ एक मंदिर भी है बहुत बड़ा। यहाँ पर रास वगैरह होता है, सबसे बड़ा रास मेला इस मंदिर पर ही होता है। और इस साइड में और एक बहुत ही बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी है, यहाँ पर लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। जब आप हावली से बरपट्टा रूट की तरफ जाओगे तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही खास कॉलेज मिलेगा। यहाँ पर बीएस कॉलेज जो है असम के एक बहुत ही बड़ा कॉलेज देखने को मिलेगा। और बीएस कॉलेज के ऑपोजिट साइड में एक टीवीएस शोरूम है, वहाँ से ही मैंने ये बाइक खरीदा। तो यहाँ पर हम फ्यूल भरने के लिए आ गए, ज्यादा नहीं भरेंगे, 200 रुपया में हम जिधर जाना चाहते हैं वहाँ पर जा सकते हैं, इसलिए 200 रुपया भराया था। आप लोग और अगर जाना चाहते हो तो 200 रुपया में हो जाएगा आप, और अगर मानस नेशनल पार्क में जाना चाहते हो तो। भौसड़े के मारेगी क्या, रॉन्ग साइड में आ रहा है। ये है शिमलागोरी सर्कल, यहाँ से हम बरपट्टा रोड की तरफ जाएंगे। ये है शिमलागोरी से थोड़ी दूर बरपट्टा रोड। शिमलागोरी से बरपट्टा की तरफ जाओगे ना, इतना भीड़ लगी रहती है और इतना रास्ता खराब, किसी को क्रॉस करके नहीं जा सकते और अगर वो साइड ना दे। हाँ, पर राइट साइड में एक मेला चल रही है, बहुत ही बड़ा मेला जिसका नाम है अठियामारी मेला। यहाँ पर आप लोग आ सकते हो, कुछ दिन ही रहेगा ये मेला। बरपट्टा रोड में एक बहुत ही बड़ा ट्रेन स्टेशन है, तो बरपट्टा रोड की उत्तर साइड है। और अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो एक फ्लाईओवर की ज़रूरत है, बहुत ही भीड़ लगी रहती है, इसलिए यहाँ पर एक फ्लाईओवर का काम चल रहा है। नीचे से ट्रेन जाएगा, ऊपर से बस वगैरह आना जाना करेंगे, इसलिए एक फ्लाईओवर का काम चल रहा है। फ्लाईओवर के दोनों साइड में इसी तरह पतली एक सड़क है जो लोग आना जाना करते हैं, और रास्ते में बहुत ही भीड़ लगी रहती है। देखो गाइस, रास्ता का हालत भी बहुत ही ख़राब है, लोग आ जा नहीं सकते। तो इसी तरह से हम बरपट्टा को क्रॉस करके अपने ट्रेन स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम खड़े हुए तो यहाँ पर बंद कर दी गई थी, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन आने वाला है, ट्रेन जा रहा है। देखो गाइस बहुत ही अच्छा। जब ट्रेन जाना पूरा ख़त्म हो गया तो मैं बहुत ही हैरान हो गई थी, तो मैंने क्या कहा, देखो उठा दे भाई, उठा दे जल्दी, उठा क्यों नहीं देता यार, उठा दे, और आने वाला है क्या ट्रेन। तो यहाँ पर गाइस बहुत देर रुकने के बाद एक ट्रेन आया, बहुत ही घटिया सा। उन लोगों का मैंने मुक्का भी दिखाया कि तेरा नाक फुटा दूंगा तेरे लिए, बहुत ही मेरे को देर कराया दिया। गाइस जब गेट ओपन कर दी गई तो यहाँ पर बहुत ही भीड़ लगी हुई थी, किसके आगे कौन जाता है, मैं तो सबसे पहले चला गया। देखो गाइस मेरे साइड में ये लोग आके मुझे जाने के लिए जगह नहीं दे रहा था, मैंने तो बहुत ही जोर से रेस खींचा, बहुत ही क्या कहता है साउंड किया, तो मेरे को जाने दिया। मैं यहाँ से बल बल निकल कर चला आया, तो इस तरह से बहुत ही ट्रैफिक था, बहुत ही मज़ा आया। आप लोग देखो गाइस, पर ट्रेन सड़क के दक्षिण साइड में भी काम चल रहा है, यहाँ पर उत्तर साइड में भी काम चल रहा है। देखो गाइस, तो इसी तरह से हम यहाँ से निकल चुके हैं। तो यहाँ से निकल कर हम लोग जिधर जाना चाहते हैं वहाँ की तरफ जाते हैं। और अगर आप लोग हावली से जाना चाहते हैं तो इस तरह से आप लोगों को बरपट्टा रूट को पार करके जाना होगा। तो उत्तर की तरफ जाते बनो, पीछे मत मोड़ के देखियो भाई लोग। इस तरह से आकर हम लोग बेकी के किनारे पर आ गए। देखो गाइस यहाँ पर बहुत ही किनारा मजबूत कर दी गई है, यहाँ पर तोड़ फोड़ कर चले जाते हैं हर वक्त, इसलिए तो हम यहाँ पर बेकी के किनारा को पार करके हम उत्तर की तरफ आते रहे। पर आकर एक साइन बोर्ड लगी हुई है, इसका मतलब ही साइट मानस है। तो यहाँ पर हमारा भाई लोग भी खड़े हुए थे, उन लोगों को कहा कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ, तब तुम मानस जा सकते हो। पर हमारे नज़र में एक सबसे पहले टी गार्डन पड़ी, तो ये पूरा डिस्ट्रॉय, उसके बाद और एक टी गार्डन, बहुत ही अच्छा लगा नज़ारा। देखो गाइस बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर देखो गाइस टी गार्डन मर चुकी है, और अगर हिफाजत ना करो तो सब चीज़ मर जाता है।
सरकार को मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है, इस टी गार्डन की तरफ अच्छी तरह से नजर दे। वो इसी तरह से आते हुए हमारा सामने आ गया एक गेट। इस गेट से हम बाय की तरफ जाएंगे। तो देखो गाइस, यहाँ पर पेड़ भी सारा मर गया है। देखो गाइस किस तरह से मर गया। तो हमारे भाई के लिए हम लोग वेट करते रहे, वो लोग आगे जाते रहे, हम लोग पीछे जाते रहे। तो यहाँ से टिकट लेकर ही हम अंदर जा सकते हैं, विदाउट नहीं जा सकते। यहाँ पर हमारे एक भाई ने कहा कि मैं लेता हूँ, आप लोग जाते रहे। तो एक भाई ने सारा पैसा दे दिया और हम लोग अंदर गए। तो गाइस देखो, यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, उस साइड पिकनिक कर रहा है लोग। तो रास्ता से हम नीचे की तरफ आ गए, हमारे भाई लोग भी आगे पीछे आते रहे। तो इसी तरह से हम देखो गाइस, रास्ते की हालत बहुत ही ख़राब है, हम गिर जाएंगे, नहीं गिरा। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए जहां पर आना था। तो यहां पर लोग सेल्फी उठ रहे, मेरा भी थोड़ा आप लोगों को दिखा देता हुआ, और व्यू को भी देख लो, बहुत ही अच्छा है नज़ारा। तो डीएसएलआर से दूर दूर का नज़ारा आप लोगों को कुछ दिखा देता हूँ, बहुत ही अच्छा लगा। देखो गाइस, बहुत ही लोग आए स्कूल कॉलेज वगैरह से। यहाँ से आप लोग ये बोर्ड्स वगैरह को भरा करके, पैसा पे करके वहाँ पर आप घूम सकते हो, लेकिन हम लोग नहीं गए इसलिए। वो लोग स्कूल के बच्चे हैं, हम लोग बड़े हो गए शायद, इसलिए हम लोग नहीं गए उस तरफ। आप लोगों को डीएसएलआर से कुछ क्लिप्स दिखा देता हूँ। देखो गाइस, बहुत ही अच्छा नज़ारा है, देखो बहुत ही मज़ा आया ज़रूर। यहाँ पर बहुत ही स्कूल कॉलेजेस वगैरह से पिकनिक करने के लिए लोग आए। देखो ड्रेस भी देखकर आप लोग का अंदाज़ा लगा सकते हो, और गाड़ी भी देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। यहाँ पर डीजे के साउंड और बोट के साउंड भी देख लो। तो इस तरह का कुछ नज़ारा था, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो अब हमारा सफर यहाँ पर ही ख़त्म होता है गाइस। हम अब अपने बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम अभी निकल चुके हैं यहाँ से अपनी घर की तरफ। तो यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा था, तो हम अपने घर की तरफ जाएंगे। यहाँ की रास्ता की हालत बहुत ही ख़राब है, हम बहुत ही जल्दी यहाँ से पार कर लेते हैं। हम घिर रहे थे, ये स्कूटी बहुत स्लो कर दिया, और थोड़ा में स्पीड था। बी केयरफुल गाइस, मेरा भी हालत देखो बहुत ही ख़राब हो गई है, और इसकी भी और मेरी हालत एकदम से ख़राब हो गया है। यहाँ पर देखो गाइस, टी गार्डन का कुछ नज़ारा आप लोगों को दिखा देता हूँ अपने डीएसएलआर से, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। देखो गाइस, ये कुछ टी गार्डन बहुत ही अच्छी थी, ये मर नहीं गई थी, और कुछ गार्डन जिसके हिफाजत के नहीं की थी, इसलिए कुछ टी गार्डन मर गई थी। तो वो हिफाजत अच्छी तरह से करे तो वो भी बहुत ही अच्छा देखने को लगेगा। तो टी गार्डन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब हम महाराष्ट्र की जो मेन गेट है वहाँ से निकल चुके हैं। हम यहाँ पर टाटा बाय बाय करेंगे। कुछ लोग पिक्सार से उठ रहे हैं, हम लोग ने बाय बाय किया तो उन लोगों ने समझा के मुझे किया, हम लोगों को किया तो उन लोगों ने थोड़ा हंसने लगा। तो यहाँ पर क्या क्या मिलता है, यहाँ पर इस साइड में आप लोगों को साइन बोर्ड पर मिल जाएगा। तो वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। हम यहाँ पर आते वक्त जो अठियामारी मेला चल रहा है, तो यहाँ का कुछ आप लोगों को व्यू दिखा देता हूँ, तो देख लीजिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे भाइयों, लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर माई ऑल फ्रेंड्स, लव यू गाइस।